मेरे प्यारे अफगानी भाइयों, आप लोग मुझे भाई समझकर मेरी इस बात पे गौर व फिक्र थोड़ी करो जो मैं बात आपसे करने लगा हूँ, ठीक है। 1793 से लेकर, दुरानी एम्पायर से लेकर, अहमद शाह दुरानी से लेकर 2021 तक तुम पर 5 बार बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, ठीक है। तुम पे एंग्लो अफगान वार 1, 2, 3 हुई, रशियन हुई और यूएस अमेरिका की तुम पे जंग हुई, ठीक है। पांचों बार जब भी तुम पे जंग खत्म हुई, तुम आपस में लड़ पड़े, ठीक है। आपस में लड़े, फिर तुम पे दोबारा जंग हुई, फिर तुमने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। जब भी तुम पे जंग खत्म होती है, तुम क्या करते हो, आपस में लड़ना शुरू कर देते हो। तो जब सिविल वार होती है, तब दूसरे मुल्क के लोग आके तुम पर बैठना शुरू कर देते हैं कि भाई यहाँ पे मसला क्या है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे साथ पिछले 231 साल से होता आ रहा है, ठीक है। अभी 2021 में जैसे दोबारा तुम लोग आजाद हो चुके हो, लेकिन अब देखो तुम दोबारा आपस में लड़ना शुरू हो गए हो कि जी वहां पे सफेद झंडा है, तुम लोगों ने 3 रंग का झंडा उठाया हुआ है। तो तुम लोग अपनी कामयाबी को एक्सेप्ट करना सीखो। तुम में ये काम बहुत गलत है कि अगर तुम्हारा भाई ने एक मुल्क बनाया है तो तुम उसके अपने भाई के खिलाफ खड़े हो जाओगे कि नहीं, उसने अगर मुल्क बनाया तो जहां पे मैं खड़ा हूं ये मेरा मुल्क है। ऐसा नहीं है, तुम अफगान जो हो इस चीज को एक्सेप्ट करो कि तुम अब आजाद हो चुके हो 2021 में, ठीक है। और जो झंडा तुम्हारा वहां पे लहरा रहा है मुल्क में, उस झंडे के साथ मजबूती के साथ खड़े रहो, क्योंकि जब तक तुम उस झंडे के साथ खड़े नहीं रहोगे, कल दोबारा से तुम पे जंग मुसलित हो जाएगी, क्योंकि तुम दोबारा से सिविल वार की तरफ खुद को लेकर जाना चाह रहे हो। तो ये चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूं, और बस ये मुझसे नाराजगी मत करना इस बात पे, थोड़ा सा आप लोग खुद भी सोचे। और मैंने 2 दिन में आपकी हिस्ट्री पढ़ी है, आपके हर हीरो को पढ़ा है मैंने, आपके अहमद शाह दुरानी को पढ़ा है, सारे जितने तुम्हारे हीरो हैं सबको मैंने पढ़ा है। और उसके बाद मैं इसी नतीजे पे पहुंचूं कि जब भी तुम आज़ाद हुए हो, तुम आपस में लड़ना शुरू हो गए हो। तो जब तक ये तुम आपसी इख्तलाफ खत्म नहीं करोगे, तुम हकीकी आज़ादी नहीं ले सकोगे।